अच्छा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीज एंड जूल्स पढ़ा था। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी इस चैप्टर के अंदर रहती है समझने लायक, वो आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। और ये आसान बातें हैं सारी, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। बाज ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बड़ी स्ट्रेंज लग सकती हैं कि भाई ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल नहीं होंगी। मैंने ये टेबल आप लोगों को समझा दिया था कि न्यूट्रिएंट्स की कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम देगा, यानी अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज मिलता है ना। अच्छा, कैलोरीज जो होता है तो ये कैलोरी मीटर के ऊपर देखा जाता है, कैलोरी मीटर के ऊपर नहीं देखा जाता। 2 मशीनें होती हैं, एक होता है कैलोरी मीटर, एक होता है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर वो होता है जिसके अंदर के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो कलर की बेस के ऊपर होता है। और एक होता है कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर में चीज को जलाया जाता है और उसकी एनर्जी देखी जाती है, ठीक है। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं, कैलोरीज और कैलोरीज जो है, तो ये दो मुख्तलिफ हैं। और अगर हम लोग 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम को कन्वर्ट करना चाहें किलो जूल के अंदर, तो फिर उसका अपना फैक्टर लगता है और दैट इज 16.7। लिपिड्स के लिए लिपिड्स का बहुत ज्यादा है, 9 है, उसके बाद प्रोटीन का भी 4 ही है, अल्कोहल लिपिड्स के करीब करीब है। तो ये अल्कोहल बताने का मकसद ये है कि अल्कोहल भी वो कंपाउंड है जिससे एनर्जी मिल सकती है, इससे दूसरे को फायदे नहीं मिल सकते, एनर्जी जरूर मिल सकती है। सो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स जब एब्जॉर्ब होके आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होंगे, तो मेटाबोलाइज होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन और अल्कोहल आप लोगों को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस एनर्जी की वजह से आपकी मशीनरी चल सकती है। यानी ऐसे ही है कि फ्यूल डाला गाड़ी के अंदर और वो फ्यूल जाके अंदर कंबस्शन के जरिए उसने आपकी मोटर को चलाया, और मोटर के चलने से उस गाड़ी में स्पीड और हरकत आई। हमारे अंदर भी जब ये फ्यूल जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन अल्कोहल जो भी अंदर जाता है उसके बदले में हमारा बॉडी जो है तो इसको मेटाबोलाइज करता है ग्लाइकोलिसिस के जरिए, क्रेब्स साइकिल के जरिए, ग्लूकोजेनेसिस के जरिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के जरिए, जितने भी प्रोसेस हैं, बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के जरिए, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू डू सम वर्क। जैसे कि मेरी इस तरह की उंगलियों की मूवमेंट, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा देखना, मेरा सोचना, ये सारे वर्क में आते हैं। इस वर्क को करने के लिए हमें कैलोरीज की जरूरत है, वो कैलोरीज हमें ये वर्क करवाती हैं। अगर ये न हो तो हम लोग बेजान पड़े रहे और हमारा कोई फंक्शन नहीं, ठीक है। अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो टॉपिक है, बहुत अहम है टेक्निकली ये टॉपिक। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा, लेकिन इसका ओवरव्यू एक मैं आप लोगों को देता हूँ। इसको बोलते हैं डाइट्री रेफरेंस इनटेक्स, DRIs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जिंदगी आप लोगों के साथ चलेगी ये चीजें। ये 4 किस्म के इसके अंदर डाइट्री रेफरेंस इनटेक्स होते हैं, इसको DRI बोलते हैं। व्हाट आर DRI? DRI आर एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज and maintain optimal health। ये क्या चीजें हैं DRI? ये वो estimations हैं of the amounts of nutrients, किससे हम जो nutrients ले रहे हैं उनको estimate करना कि कितनी nutrient लेने से और कितनी nutrient हमें required हैं हमारी deficiencies को दूर करने के लिए और हमारी optimal health को maintain रखने के लिए। ऐसे तो नहीं है कि आप कुछ भी और कितना भी खाने शुरू कर दें, कोई भी अगर प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड्स हो, और आप जब जी क्या करेंगे, अगर कुकिंग ऑयल की बोतल पड़ी हुई और आप कहेंगे लिपिड्स से मुझे 9 किलो कैलोरीज मिलती है, और लिपिड लेकर आप पेप्सी की तरह पी जाएं, पेप्सी भी ऐसे नहीं पीनी, ठीक है ना। ये हमें डाइट्री रेफरेंस इनटेक्स मिलती है, ये बहुत एक्सटेंसिव वर्क है, ये बहुत ही मुश्किल वर्क है, ये ऐसे नहीं हुआ हुआ जिस तरह के आपको अभी टेबल्स नजर आएंगे, इतने आसान नहीं है ये हर मुल्क के लिए, हर पॉपुलेशन के लिए, हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए ये वेरी करते हैं,
इनको इनके ये रेफरेंसेस बनाने के लिए साल हर साल की सौ सौ साल की रिसर्चेस चलती हैं कि किस बंदे को कितनी न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में चाहिए जिसकी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कोई कुछ कहना चाह रहा है किसी का माइक ऑन है सॉरी सर मेरा माइक ऑन था सॉरी सर ओके माइक ऑन कर तो द डियर आईज कंसिस्ट ऑफ फोर डाइटरी रेफरेंसेस फोर इनके नाम देख लें इनको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद पहले नाम सुन लें रिकमेंडेड डेली अलाउंस आप लोगों ने नाम सुना होगा आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपने रोजाना कितना जो आपका डाइट्री अलाउंस है वो कितना है रिकमेंडेड रिकमेंडेशन के लिए फिर अपनी एजेंसीज हैं WHO है FAO है यूनिसेफ है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े दिमाग मल्टीनेशनल किस्म के लोग मल्टी डिसिप्लिनरी लोग इसमें बैठ के ये बात ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी इंसान को रोजाना कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसके बाद है एडिक्वेट इनटेक AI फिर है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल और फिर है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट ये चार किस्म की टर्म्स हैं जो कि न्यूट्रिशन में यूज होती है ये चार जगह पे यूज होंगी इनकी डेफिनेशंस और ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे लेकिन कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद पढ़ेंगे लेकिन ये चार टर्म्स याद रखें RDA, AI, TUIL और EAR ये चार किस्म के DRIs हैं जो कि आपको बार बार नजर आएंगे मेडिसिन के ऊपर फूड के ऊपर फूड लेबलिंग के ऊपर हर जगह पे आपको ये चीजें जरूर नजर आएंगी आपको इनको समझना है इनकी समझ डालनी है कि ये क्या होंगे जब भी आप किसी डब्बे को पढ़ें किसी खुराक को देखें किसी मेडिसिन को देखें और ऊपर लिखा हो RDA तो आपको पता चले कि इसका RDA इसका एडिक्वेट ये कितना है और मुझे कितना चाहिए ये सही है या गलत है इसके बाद इनकी डेफिनेशंस को हम लोग प्रॉपरली देखेंगे मैं पहले आप लोगों को ये ग्राफ्स बताने से पहले कुछ यहां पर चीजें बताता हूं आपके सामने दो किस्म के खाने मैंने रखे हैं ये दो पिक्चर्स हैं इन दो पिक्चर्स को गौर से देखें और मुझे बताएं कि आज मैंने आपको नाश्ते पे बुलाया तो आप कौन सा खाना पसंद करेंगे राइट वाला या लेफ्ट वाला यानी डोनट्स वाला खाना पसंद करेंगे ये सिंपल है या ये जो साथ में पड़ा हुआ है ये सिंपल है कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे किस में लेफ्ट मैं एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दें किसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं किसमें ज्यादा एनर्जी है और कौन सा आपको बेहतरीन गजाइयत दे सकता है अब चॉइस आप लोगों की है मुझे बताएं न्यूट्रिशन पढ़ने का फायदा मैं आपको राइट राइट द पिक्चर के राइट पे आप खाना पसंद राइट साइड वाला राइट साइड वाला आप खाना पसंद करेंगे और वो राइट साइड वाले में दो डोनट्स हैं और एक कप कॉफी है ये एक सिंपल खुराक है जो कि yes, नाश्ते में खाना चाहेंगे ठीक है चॉकलेट डोनट्स हैं और अच्छा एहसान साहब लेफ्ट वाला खाना चाहते हैं एहसान साहब जरा आप आए आप क्यों लेफ्ट वाला खाना चाहते हैं सर उसमें फ्रूट है आवाज ऊंची करो सर फ्रूट्स है फ्रूट नहीं आ रही आवाज मुझे आपकी आवाज ऊंची करके बोलो शाबाश आवाज आए चलो मैसेज में लिख दो आप मैसेज में लिख दो अच्छा मेरे सामने भी कुछ लोग मौजूद हैं आप क्या खाना पसंद करेंगे लेफ्ट वाले में क्या है फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ है सर साइड में फ्रूट पड़ा हुआ है साथ में अच्छा और क्या पड़ा हुआ है तो फ्रूट आपको अच्छा लगता है यार सिर्फ उसमें फ्रूट है तो अच्छा चलो फ्रूट निकाल लो फिर ब्रेड भी है अच्छा के साथ लोग
फ्रूट नहीं खाते। अच्छा आप फ्रूट नहीं खाते हो, एनर्जी देता है, एहसान गलत हो रहे हो, एनर्जी तो ये साथ वाला भी ज्यादा देता है। ओके मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म करता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई है ना, सोचा है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है ना, थोड़ा सा आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि अंदर क्या सवाल क्या है। अब आंसर देखो। अच्छा जी, लो एनर्जी डेंसिटी, दिस 450 ग्राम ब्रेकफास्ट डिलीवर्स 500 कैलोरीज फॉर एन एनर्जी डेंसिटी ऑफ 1.1। यानी हमारे पास ये जो 450 ग्राम का जो ब्रेकफास्ट है ये हमें कितनी किलो कैलोरीज दे रहा है, 500 किलो कैलोरीज। और साथ में देखें जरा, हाई एनर्जी डेंसिटी, दिस 144 ग्राम ब्रेकफास्ट, वो कितना था 450, ये कितना है 144 ग्राम, डिलीवर्स 500 किलो कैलोरीज फॉर एन एनर्जी ऑफ डेंसिटी ऑफ 3.5। अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने आपको आंसर भी दे दिया, अब मुझे बताएं कि आप हाई एनर्जी डेंसिटी वाली खुराक खाना पसंद करेंगे या आप लो एनर्जी डेंसिटी वाली चीज खाना पसंद करेंगे। हाई, क्या कहते हैं आप जी? लो एनर्जी सर, जब लोग साइड वाले में है, बीज होते हैं। हाँ और क्या, अच्छी बात चल रही है सर, पार्टिसिपेट करें सर, जब लोग ओबीज होते हैं ना तो लोअर एनर्जी जो डेंसिटी होते हैं जो खुराक होते हैं। आपने एक मेडिकल कंडीशन बता दी कि ओबेसिटी के अंदर हम लोग लो एनर्जी डेंसिटी वाली चीज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड चल रहा है डेंसिटी का भी, कि 1.1 यानी 450 ग्राम के अंदर यानी आधा किलो खाया और उसमें 500 कैलोरीज मिली हमें, 500 किलो कैलोरीज मिली। यहाँ पर 144 ग्राम खाए और 500 किलो कैलोरीज मिल गई। याद रखें, ज्यादा एनर्जी इनटेक वाली चीज और जिसके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स हो उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं मारना। इस जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो चीज है ना, ये जो जिसके अंदर ब्रेड भी है, ब्रेड है ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड के अंदर कार्ब्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, साथ में पड़ी हुई है शहद, शहद भी है, साथ में स्क्रम्बल्ड एग्स भी पड़े हुए हैं, साथ में प्रोटीन का सॉसेज भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर देखो फाइबर्स पड़े हुए हैं, बनानास पड़े हुए हैं, मिल्क पड़ा हुआ है, कॉफी पड़ी हुई है, साथ में फ्रूट पड़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ है और डोनट्स में क्या कुछ है। डोनट्स में क्या है पता है? चॉकलेट सिरप, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब कार्ब कार्ब, तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट्स, चॉकलेट कार्बोहाइड्रेट, मैदा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा फाइबर भी है और साथ में क्या है, शुगर कार्बोहाइड्रेट, अ लॉट ऑफ कार्ब्स। तो आप सुबह कार्ब्स लेंगे कि नहीं, एक मिक्सचर ऑफ थिंग लेंगे, हमें एक मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स चाहिए, इसको बोलते हैं डाइटरी रिकमेंडेड इनटेक डीआरआई। हमें रिकमेंडेड क्या है हमने वो देखना है, हमने वो समझना है, हमने उसी को समझना है, हमने एनर्जी की तरफ नहीं भागना। इस तरह तो ये वाली बात है कि आपकी गाड़ी में ऑयल डलता है और आप कुछ ऐसी चीज डाल दें जो कि ऑयल से भी ज्यादा एनर्जी देती हो और आप कहें जी गाड़ी तो इस पे चलनी चाहिए, नहीं, ये वही वाली बात है। अब आपने अपने बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को मेंटेन करने के खातिर प्रोटीन भी लेना है, अ पोर्शन ऑफ कार्ब्स भी लेने हैं, अ पोर्शन ऑफ ये भी लेना है, हर एक चीज ये आप लोगों को अभी बताया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वही वाली पिक्चर के, विच ब्रेकफास्ट वुड यू लाइक टू ईट एंड व्हाई। तो इसका मैंने यहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनल जवाब दिया, न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट या न्यूट्रिएंट पुअर ब्रेकफास्ट, बता दिया ना, ये न्यूट्रिएंट पुअर ब्रेकफास्ट है, सर एनर्जी तो है लेकिन न्यूट्रिएंट पुअर है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। अब क्यों, प्रूफ देखें, एक पिक्चर ग्रीन मैंने किया है, एक पिक्चर येलो की हुई है और अंदर ग्राफ देखें आप, ग्राफ में प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिंस, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम है। ग्रीन वाला शो कर रहा है न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट को, येलो वाला शो कर रहा है न्यूट्रिएंट पुअर ब्रेकफास्ट को। तो देखो न्यूट्रिएंट डेंस में प्रोटीन कितने ज्यादा है,
और येलो में कितने हैं? फाइबर्स कितने हैं येलो में, देखो कितने हैं। वाइटमिन्स कितने हैं ग्रीन में, येलो में है ही नहीं। कैल्शियम में देखो, कैल्शियम इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। आयरन कितना है, वो कितना है। पोटेशियम कितना है, येलो में कितना है। तो वी हैव टू थिंक डिफरेंट, वी आर नॉट लेमैन। अभी तक आप लेमैन थे, क्लास शुरू होने से पहले हम सारे लेमैन थे। हमें क्लास ने ये बताया कि अगर आप किसी दावत वलीमा पे चले जाते हैं और एक तरफ इस तरह की चीज हो और इस तरह की चीज हो, तो आपने प्रेफर ये करना है कि ऐसी चीजें खानी। हमारा कल पीसी में एमओयू था, सिग्नेचर सेरेमनी थी, तो वहां पे बहुत कुछ पड़ा हुआ था। तो पीसी के अंदर उन्होंने पिज्जा भी रखे हुए थे और पैटिस भी रखे हुए थे और बिस्किट्स भी रखे हुए थे और हर एक किस्म के, लाइक 30-40 वैरायटीज थी। तो लोग उसके ऊपर जाकर टूटे हुए थे। एंड आई वाज जस्ट सर्चिंग द न्यूट्रिएंट रिच थिंग, जो मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे और कुछ फाइबर्स दे, कुछ न्यूट्रिएंट्स दे। तो लोगों ने प्लेटें भरी हुई थी, तो चिकन भी ज़्यादा डाल रहे थे और सब कुछ। तो मैंने एक पीस चिकन का खाया और एक पेस्ट्री खाई, क्योंकि मुझे शुगर पसंद है, मैं थोड़ा सा कार्ब ज़्यादा लेता हूँ। तो एक पेस्ट्री खा ली और साथ में एक चिकन खा लिया। अब कार्ब्स भी ले लिए, प्रोटीन भी ले लिया, ठीक है, ओके हो गई ना। तो यानी आपने बैलेंस रखना है कि आपकी खुराक में हर एक चीज आए। थोड़ा सा सैंडविच ले लिया, ठीक है ना। तो वो आपने ऐसी वैरायटी ऑफ फूड लेना है कि यू कैन टेक एवरीथिंग फॉर योर वाइटल ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई ना, अब उनकी मैं आप लोगों को रियल बेस के ऊपर लेकर आ रहा हूं। ये हमारे खुराक का बेसिक हिस्सा है, जो मैं आपको एक एक स्लाइड में बताने जा रहा हूं। आपकी खुराक इन सारी चीजों पे मुश्तमिल है। ये जो मैं अभी आप लोगों को 4-5 स्लाइडें बताऊंगा ना, बस आप लोगों ने पूरी जिंदगी के लिए ये बात याद रखनी है कि ये जो स्लाइड्स हैं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इनको समझ लें। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, तस्वीर से आपको वाजे हो गया होगा ग्रेन्स और सीरियल्स क्या है। ग्रेन्स एंड सीरियल्स के अंदर हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स एंड सीरियल्स कंट्रीब्यूट फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, आयरन, मैग्नीशियम, सिलेनियम एंड फाइबर। हमें क्या मिल रहा है ग्रेन से? विटामिन्स, मिनरल्स और अ लॉट ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स क्या करते हैं? रफेज है। हम जब खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर लाइक स्कॉच ब्राइट काम करता है। अब आप सोचें कि आपने कढ़ाई खाई है और कढ़ाई के अंदर आपने प्रोटीन और लिपिड और सब कुछ की कढ़ाई बनाई हुई है। जब आप खा लेते हैं तो कढ़ाई कितनी गंदी होती है ना। आप उसको हाथों से भी साफ करें फिर भी वो चिकनी चिकनी होती है। पानी ऊपर डालें फिर भी चिकनी होती है। साफ तभी होगी जब उसको आप स्कॉच ब्राइट से साफ करेंगे। सो वी नीड स्कॉच ब्राइट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। सो इट गिव्स अस बल्क। अगर आप लोग फाइबर्स नहीं लेंगे तो आपकी पॉटी जो है ना, वो आपकी जो फीसिस है ना, उसके अंदर वो बल्क नहीं क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कब्ज भी होगी, डायरिया भी होगा और एक अजीब सी सेंसेशन होगी कि आप उस फीसिस को बाहर नहीं निकाल सकेंगे, इजेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो यू नीड बल्क टू रिमूव फीसिस फ्रॉम योर बॉडी। तो आप सोचें कि अगर आप लोग फाइबर्स ना लें, आप कहते हैं भाई मैं तो नमक मंडी जाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, सिर्फ तिक्के खाऊंगा। अब सोचें कि जो बंदा रोटी नहीं खाएगा और सिर्फ तिक्के खाएगा, उसके साथ क्या होगा? उसका पेट उस कढ़ाई की तरह बन जाएगा जिसको स्कॉच ब्राइट की जरूरत है, और वो गंदी पेट लेकर जाएगा। उसको रात को गंदी गंदी डिकारें आएंगी, उसको रात को गंदे गंदे ख्वाब आएंगे। बाज लोग उठते हैं कहते हैं और बस मैं रात को सोया था और मुझे ना बड़ा सख्त डर लगा है। मौलाना साहब के पास जाते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं, कहते हैं जी क्या हुआ जी आप, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि एक समंदर है और मैं डूब रहा हूँ, चीखे मार रहा हूँ और मेरे मुंह में भी पानी जा रहा है और मुझे बाहर भी पानी आ रहा है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि रात को खाया क्या था जी? मैंने तो नमक मंडी में कढ़ाई खाई। तो वो कहते हैं भाई जाके हाजमोला खाओ, ये कोई तुम्हें कोई कशफ नहीं हुआ, ठीक है ना। एक ऑन द लाइटर नोट एक लतीफा मुझे याद आ गया कि एक माँ बेटी जो है तो वो जाती हैं किसी शादी पे ना, तो बड़ी लालची होती हैं
तो शादी पे जाती हैं और बस जाके ना खूब दबा के वो बच्ची बारात की रोटी खींच रही होती है, तो वो बारात की रोटी खा रही होती है, उसने कोई भी आइटम मेरी तरह नहीं छोड़ना ना, तो बिरयानी भी खाई उसने डबल, कबाब भी खाए, चिकन भी खाया। इट इज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। अच्छा मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन वाले लतीफे सुना रहा हूँ। तो वो जब घर आई तो उसने उल्टियाँ शुरू कर ली और जी बस अजीब गरीब किस्म की उसका हालत बिगड़ गई। तो माँ जो है तो वो बच्ची को गले लगा के कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था काला जोड़ा नहीं पहन के जाना, नजर लग जाती है। अब वो ये नहीं कह रही कि तुमने खाना ज्यादा खाया, वो सारी चीज उसकी नजर के ऊपर आ गई। सो हमने समझना है कि ये नजर लगी है कि हाथ कम हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सो न्यूट्रिशन हमें इन फजूल बातों से निकालता है कि अगर आप लोग कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूट्रिएंट वो काम कर रहे हैं, तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको पता चले कि नजर लगी है कि बीमारी है। सो मेक मोस्ट एटलीस्ट हाफ ऑफ द ग्रेन सेलेक्शन होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में क्या आता है, एमरेंट सीड हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम वो चीजें सिर्फ इधर फोकस करेंगे जो कि हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, बार्ले, ब्राउन राइस, बकवीट, बल्गर हमारे पास नहीं है, कॉर्न मील हमारे पास है, मिलेट जिसको आप लोग बाजरा बोलते हैं, ओट्स, ओट्स ओट मील फ्लेक्स बाहर मिलते हैं फोजी कॉर्नफ्लेक्स वाले, चिनोआ ये एक सीड है जो कि चाइना में भी यूज होता था, यहाँ पर कम है, रे वीट, वीट आप लोग जानते हैं, वाइल्ड राइस, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड, सीरियल, क्रैकर्स, पास्तास, पॉपकॉर्न, जानते हैं ना ये आप सारी, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप फेमिलियर, ये आप लोगों ने ग्रेन्स की सूरत में लेने हैं अपनी डेली डाइट में। इनरिच्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास सीरियल्स, पास्ताज और ये मैकरोनीज, स्पैगेटीज और प्रेजल्स और वाइट राइस रोल्स, टॉर्टिलास, टॉर्टिलास चपाती को बोलते हैं, टॉर्टिलास बिल्कुल पतली सी होती हैं, अरबी लोग जानते हैं इसको, पता है कि टॉर्टिलास क्या चीज होती है। तो लिमिट दीज ग्रेन्स दैट कंटेन सॉलिड फैट्स एंड एडिड शुगर, वो ग्रेन्स नहीं खाने कि जिसके अंदर सॉलिड फैट्स और एडिड शुगर हो। अब मैं आप लोगों को एक नई चीज बता, बिस्किट नहीं खाने, केक्स नहीं खाने, कुकीज नहीं खाने, कॉर्न ब्रेड्स नहीं खाने, क्रैकर्स वो जिसके अंदर के एडिड चीजें हों, ठीक है। अच्छा क्रोसेंट्स जो होते हैं वो जो इस तरह से दो चूजे होती हैं जिसकी और दरमियान से फूला होता है, फ्रेंच ब्रेड है ये, आप लोगों ने देखी होंगी। अच्छा डोनट्स हो गए, डोनट्स आप लोग जानते हैं, फ्राइड राइस हो गए, मफिन्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, पाइस हो गई, ठीक है, सीरियल्स, टाको शेल्स हो गए, ये वो चीजें हैं कि जिनमें ग्रेन्स तो हैं मगर आप इनको ग्रेन्स के धोखे में नहीं खा सकते। आप ले सकते हैं मगर याद रखिएगा कि इन चीजों के अंदर एडिड शुगर है, इनके अंदर इंडस्ट्री वालों ने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले हुए हैं कि जो आपको कहते तो हैं कि ये होल ग्रेन है मगर उन्होंने बीच में ऑयल भी फूंसा हुआ है, उन्होंने बीच में नमक भी डाला हुआ है, चीनी भी डाली हुई है, प्रिजर्वेटिव भी डाले हुए हैं। सो अगर आप होल ग्रेन्स लेना चाहते हैं तो ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो खाना कितना है, ये पिक्चर की साइड पे लिखा हुआ है, वन ओन्स ग्रेन इज इक्वल टू वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, हाफ कप कुक्ड राइस, पास्ता और सीरियल, वन ओन्स ड्राई पास्ता, वन कप रेडी टू ईट सीरियल, थ्री कप्स पॉपकॉर्न, ठीक है, पॉपकॉर्न होते हैं, इनमें से आप कोई भी एक चीज ले सकते हैं एक मील में, समझ आ रही है, समझो इस बात को, जिनको नहीं समझ आ रही हो समझ डालें, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, मोस्ट बैगल्स टूडे वे इन एट फोर ओन्स आर मोर, उधर कितने खाना है एक ओन्स, इधर कितने हैं चार ओन्स। तो मैं बास टाइम किसी को कहता हूँ कि भाई एक रोटी खाओ, तो वो कहता है वो डबल पेड़े वाली रोटी खा लो, भाई आपने पराठा नहीं खाना, नहीं नहीं मैं नहीं खाता पराठा, ठीक है, वो उसकी ऐसी शक्ल बिगाड़ के कोई ऐसी नई चीज बना लेते हैं जो कि पराठे की शक्ल ही होती है लेकिन वो शक्ल बिगड़ी होती है। तो कहते हैं कि अगर आप लोग बाहर जाके और कहते हैं कि मैं ग्रेन की चीज ले रहा हूँ और ये होल है और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका वजन इतना होता है कि वो भी ओवर ईटिंग, वो भी आपको आपकी इजाफी इनटेक कर, वो आपकी रिकमेंडेड इनटेक नहीं है। तो ये पिक्चर यहाँ पर कह रहा है
कि मीनिंग दैट अ पर्सन ईटिंग वन पोर्शन ऑफ दीज लार्ज बैगल्स फॉर ब्रेकफास्ट इज एक्चुअली गेटिंग फोर और मोर ग्रेन सर्विंग नॉट वन. तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ओंस खाएं तो उसका मतलब एक ओंस होना चाहिए, ये ना हो कि आप लोग उसका बड़ी वाली डबल वाली रोटी ले लें या पूरा डब्बा ले लें. ओके, सो रिकमेंडेड चीजें लेनी है, ये ब्रेकफास्ट के लिए अभी बता रहे हैं. ठीक है, इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में दी है. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ग्रेन्स सुबह ब्रेकफास्ट में लिए जाते हैं. अच्छा, प्रोटीन्स में हमारे पास प्रोटीन फूड कंट्रीब्यूट प्रोटीन एसेंशियल फैटी एसिड नियासिन एक प्रोटीन के अंदर होते हैं ना, थायमिन विटामिन B6 B12 आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम जिंक, ये हमें प्रोटीन्स देते हैं. चूज वैरायटी ऑफ पोर्शन फूड फ्रॉम दीज सब ग्रुप्स, वैरायटी उठाओ. अच्छा, ये नहीं कि कोई एक ही चीज खानी है, चूज वैरायटी ऑफ पोर्शन इंक्लूडिंग सी फूड इन प्लेस ऑफ मीट पोल्ट्री ट्वाइस अ वीक. सी फूड में सारे नाम लिखे हुए हैं, मीट्स में पोर्क को छोड़ दीजिए, पोर्क हमारा मुसलमानों का पोर्शन नहीं है, बाकी जितनी चीजें लिखी हुई हैं आप खा सकते हैं. ठीक है, नट्स जो है सीड सोया, अब प्रोटीन नट्स में भी होते हैं. ठीक है ना, सीड सोया प्रोडक्ट अनसाल्टेड नट्स आलमंड्स कैश्यू पिकन्स पिस्ताशियो वॉलनट सीड्स फ्लैक्स सीड पम्पकिन सीड सेसमी सीड सनफ्लावर सीड्स लेग्यूम्स में सोया प्रोडक्ट्स. ठीक है, पीनट बटर पीनट्स, ये सारी चीजें प्रोटीन का सोर्स है. आपने अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन भी लेना है और ये प्रोटीन वैरायटी है, सी फूड भी लेना है, मीट भी लेना है, वाइट मीट भी लेना है, रेड मीट भी लेना है और नट्स भी लेने हैं. असल में हम लोग समझते ही नहीं, हम लोग कहते हैं यार ये जो ड्राई फ्रूट होता है ना बड़ा गर्म होता है, ये नहीं खाना. अरे गर्म नहीं होता, ये आपका नेचुरल प्रोटीन है, थोड़ी मिकदार में सही तरीके से लो. लिमिट दीज प्रोटीन, कौन सी वाली, बेकन बेक बीन्स फ्राइड मीट सी फूड पोल्ट्री एग्स टोफू, ये वो चीजें जो कि बाजार में मिल रही हैं, इन लोगों ने अपनी बीच में सीजनिंग्स डाली होती हैं. आप ये ना खाएं, आप अपना लेकर आए, अपना पकाएं और अपना खाएं. ये वाली चीजें अवॉइड करनी है जो नीचे लिखी हुई है, हॉट डॉग्स मार्बल स्टीक पोल्ट्री विद स्किन सॉसेजेस स्पेयर रिब्स, ये वो चीजें कि जो पकाते हुए चीफ वाले या चीफ ग्रिल वाले या कोई और दूसरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये लोग इसके अंदर ऐसी चीजें डाल लेते हैं कि वो आपके लिए प्रोटीन की बजाय असाब बन जाता है. और बहुत सारे लोग पकाने के दौरान एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जाया कर देते हैं, पकाने के दौरान विटामिन B6 B12 ये सारे वाटर सॉल्युबल, इतना धोते हैं कि वो सब कुछ निकल जाता है. जिंक वाटर सॉल्युबल है, जिंक निकले, पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन सब निकल गया, आप बस सिर्फ खा रहे होते हैं च्युइंगम. तो कम धोएं, साफ सुथरा खाएं, इतना ज्यादा उसे ना धोएं कि उसका कीचड़ निकल जाए सारा. ठीक है ना, हमारी औरतें क्या करती हैं, चावल बनाती हैं तो चावल बनाने के लिए उबालने के लिए रखती हैं, उबाल के उसका सारा पानी निकाल लेती हैं और कहती हैं अब ये बड़ा मजे करती है, सब कुछ तो निकल गया उसमें से, बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने कर दिया उन चावलों का, यानी वो जो वाटर सॉल्युबल चीज थी वो निकल गई, गोश्त उबाला उसकी यखनी निकाल दी, फेंक दी, अंदर क्या बचा, जस्ट प्रोटीन के रेशे, बाकी तो आपने गिरा दिया सब. वाटर सॉल्युबल जो चीजें थी, जो फैट सॉल्युबल थे, वो तो आपने निकाल दी, वो तो गई नाली में गिर गई. अब खाना कितना है, 1 ounce प्रोटीन फूड इज इक्वल टू 1 ounce कुक्ड लीन मीट पोल्ट्री सी फूड आर 1 egg, 1 cup ऑफ कुक्ड लेग्यूम्स आर टोफू और 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर. 1 tablespoon, मैं 4 tablespoon खाता हूँ पीनट बटर. अब मेरा आप वजन देख लो, अब मैं कहता हूँ जी मेरा तो एक तो तसली नहीं होती, तो मैं 4-4 चमचे लगा रहा होता हूँ. ठीक है, और सुबह भी मैं चीज़ पता नहीं कितना खा गया हूँ. 1 ounce नट और सीड्स. ठीक है, तो ये जितनी मिकदार लिखी हुई है ये एक मुनासिब रेशो आप लोगों को बताइए. इसके बाद ऑयल्स एंड फैट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, ऑयल्स आर नॉट फूड ग्रुप बट आर फीचर्ड हेयर बिकॉज दे कंट्रीब्यूट विटामिन ई एंड एसेंशियल फैटी एसिड. यूज ऑयल इंस्टेड ऑफ सॉलिड फैट्स व्हेन पॉसिबल. लोग कहते थे एक एक बात सुन ले समझ ले कि सुचा घी खाना जो होता है ना, सुचा घोड़ी जिसे बोलते हैं, ये इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ दिस एंड दैट. नो, इट्स नॉट. सुचा घोड़ी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ.
Okay, animal fat in any sense is not good for your health. Only ये जो नहीं होता plant source या फिर sea जो fish source जो होता है, इनके अलावा कोई घी oil जो कि animal से निकाला जाता है वो cholesterol से rich होता है, भरपूर होता है. पहले लोग क्यों सुचे घी खाते थे और अच्छे रहते थे, क्योंकि उनकी मुशक्कत उतनी ज्यादा थी. आज मैं क्या मुशक्कत कर रहा हूँ, कुर्सी के ऊपर बैठता हूँ, कुर्सी के ऊपर उठ के चला जाता हूँ. आप लोग आते हैं, लेक्चर लेते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, चले जाते हैं, कोई वर्जिश नहीं है, कोई पीटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो लिक्विड ऑयल सच एज कैनोला, कॉर्न, फ्लैक्स सीड, नट, ऑलिव, पीनट, सनफ्लावर, ब्ला 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 जितने भी इसके अंदर है, ये ऑयल्स की कैटेगरी में आता है. और आप लोगों ने कितना ऑयल लेना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून, ये टीस्पून है, TSP है, पहले टेबलस्पून था, टीस्पून ये छोटी होती है. और हमारी माएं कितना डालती हैं जरा सोचें, निम किलो घोड़ी तो वो सिर्फ एक ही हांडी में फेंक देती हैं, है ना, इसी तरह होता है ना. तस्नीम साहब अभी घी लेकर आए हैं घर के, मेरे बेगम मेरे लिए एक मजेदार किस्म कढ़ाई बनाए. लेकिन खाना कितना है हम लोगों ने, वो रिकमेंडेड जो चीज है वो. अब लिमिट दीज सॉलिड्स, इसमें क्या है, बटर, एनिमल फैट्स, स्टिक मार्जरीन एंड शॉर्टनिंग. मार्जरीन और बटर में क्या फर्क है, बटर जो है, बटर जो होता है ये नेचुरल सोर्स होता है, ये मिल्क को फर्मेंट करने के बाद, उसका प्रोसेस करने के बाद बटर निकाला जाता है. बटर के अंदर जो ब्यूटारिक एसिड है और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, इसको समझ के लैब के अंदर ब्यूटारिक एसिड और उसके अंदर वो सारी सारी फ्लेवरिंग डाल के और उससे जो चीज बनाना, उसको मार्जरीन बोला जाता है. और इसके अंदर ऑयल्स और सॉलिड फैट्स डाले जाते हैं ताकि उसकी शक्ल बन जाए. हालांकि जायका उसका बटर जैसा होता है, फायदा उसका कोई बटर वाला नहीं होता. ठीक है, तो ये एक लैब मेड होता है और एक होम मेड होता है, ये फर्क है नेचुरल और आर्टिफिशियल. बटर तो सर नेचुरल सोर्स है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट चलें जी, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास आ रहे हैं जनाब, 2 मिनट 41 मिनट रह रहे हैं, तो 41 सेकंड है, तो हम इसके अंदर जितना कर सकते हैं उसको करेंगे. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम. व्हेन फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट के अंदर कुछ एडिशनली कोई चीज़ डालना चाहें, कोई एडिशनल कोई उसके अंदर ऐसा विटामिन डाल दें या उसके अंदर कुछ ऐसी फोर्टिफिकेशन कर दें, जैसे कि साल्ट की फोर्टिफिकेशन की जाती है आयोडीन के साथ, आटे की फोर्टिफिकेशन की जाती है आयरन और जिंक के साथ, तो ये फोर्टिफिकेशन मिल्क की भी होती है, मिल्क प्रोडक्ट्स की भी होती है, विद विटामिन ए एंड विटामिन डी. ज़्यादातर कहा जाता है ना कि विटामिन ए और डी की इजाफी खूबियों के साथ, तो वो ये जो इजाफी खूबियाँ, इट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन. मेक फैट फ्री और लो फैट चॉइसेस. जब भी दूध उबालें, दूध उबालने के बाद ऊपर से वो बलाई की तय हटा के जो नीचे दूध है वो पीना है. ये जो ऊपर वाली चीज खा गए ना, तो बस फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए तैयार हो जाए. ठीक है, ये जो रोजाना मलाइयाँ खाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग कहते थे यार हमने जवानी में बड़ी मलाइयाँ खाई हुई हैं, हमने बड़ी मलाइयाँ खाई हुई हैं, वो फिर बुढ़ापे में सारे दिल बंद करके बैठे होते हैं. असल में जवानी का खाया हुआ ही बुढ़ापे में मौत का बायस बनता है. तो आप लोग ये ना समझें जवानी में कि हम लोग मक्खन और मलाइयाँ खा के और बड़ी अच्छी जवानी गुजर, वो असल में आपके अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है और आने वाले 4-5 साल के बाद आपके लिए बीमारियों का बायस बन गया. तो खाना क्या है, फैट फ्री 1% लो फैट मिल्क, फैट फ्री 1% लो फैट मिल्क प्रोडक्ट सच एज बटर मिल्क, चीज, कॉटेज चीज, योगर्ट, फैट फ्री फोर्टिफाइड सोया मिल्क. ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए था सोया मिल्क. अच्छा, लिमिट दीज प्रोडक्ट्स, आपने इन चीज़ों को नहीं खाना. उसके अंदर आइसक्रीम्स हैं, मिल्क शेक्स हैं, पुडिंग्स हैं, फोर्टिफाइड सोया मिल्क्स हैं, चॉकलेट मिल्क्स हैं, ये फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के इनरिच चीजेज हैं, तो ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की रिकमेंडेड चीजों में नहीं आता. ठीक है, सो आई थिंक टाइम खत्म है, हम कल इस लेक्चर को मजीद कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना काफी था, इंशाल्लाह कल इसको आगे लेकर जाएंगे. थैंक यू सो मच.